जी डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम एंड कम बैक। PPSC ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ वो है लेक्चरर इस्लामिक स्टडी का कम्प्लीटली सॉल्व पेपर। आपसे छोटी सी पीला वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब आपको लेकर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका लाइक और शेयर करना आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे हमें हौसला मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से बनाएं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेकर जाते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। कहता है कि हक पर काश किसने लिखा, हक पर काश किसने लिखा, वो सनाउल्लाह ने लिखा था। कहता है कि हैवतुल दुनिया क्या है, ये मरकबे अजाफी है। तलबा ग्रामर की रूह से क्या है, ये तलबा ग्रामर की रूह से जमा है। समना कलीला की निस्बत है यहूद की तरफ। तशबिया और इनकार रसूल क्या है, मुशरकीन। वादी गैर जी ज़रा है क्या है, ये मक्का। बैतुल मुकद्दस की फतह हुई, बैतुल मुकद्दस हज़रत उमर के दौर में फतह हुई थी। अख़वानुल मुस्लिमीन हुस्नुल बना। शिरा नखबतुल फिक्र से क्या मुराद है, असूल हदीस। दुनिया के बड़े मज़ाहब किसने तहरीर किए, यानी अमादुल हसन आज़ाद फरूकी ने दुनिया के बड़े मज़ाहब तहरीर किए। किताबुल खराज लिखी, इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खराज लिखी। तफसीर कबीर किताब क्या है, इमाम फखरुद्दीन राजी। लहरब खतातल क्या है, ये जंग चाल बाजी। फिका में साहबीन कौन है, फिका में साहबीन इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद है। अनवारुल तंजीलो इसरार अल तवील किसने लिखी, गाजी नसीरुद्दीन बिजावी ने। मिस्र की तरफ दावती खत लेकर गए, तो मिस्र की तरफ दावती खत खातब बिन अबी बल्तन लेकर गए थे। कवादुल हदीस किताब है जमालुद्दीन कासमी की, यानी अलजारियात से अन्नास तक, वो है मुफसलात। यानी उम्मुल कुलसूम की वफ़ात कब हुई, उम्मुल कुलसूम की वफ़ात 9 हिजरी में हुई। इनमुल बिलहालुल हराम क्या है, मौज़ बिन जबल। अशरा मशरा में शहीद हुआ, अशरा मशरा में कितने सहाबा शहीद हुए थे, 6 सहाबा शहीद हुए थे। मुफसर की मुकाबल क्या है, मजमल। शाद के मुतकाबल हदीस है महफूज। तोलो ग्रामर की रूह से क्या है, फेल माजी। नज़रिया असीबत किस की तहलीक है, इब्ने खुलदून की। यानी कैथोलिक फिरका का मरकज़ है रोम इटली, यानी वेटिकन सिटी। वो हदीस जो मसावी तर्क से मरवी हो उसे कहते हैं मुजतरिब। क्यास की तरीफ क्या है, उल हक फराबिल असल फिल हकम लैलतुल जमातुल बनीहा। लम लफराइज के मोहर कौन थे, जाइद बिन साबत। यानी हद कसब कहते हैं सूरत नूर को। अर्ज मुकद्दस किस सरजमीन को कहते हैं, फलस्तीन को अर्ज मुकद्दस बोलते हैं। यानी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम किस ने लिखी, डॉक्टर हमीदुल्ला ने। अलफूज अल कबीर का मौजू क्या है, असूल तफसीर। 10 ज़िलहज को कौन सी रमी जमार हुई, अवल। ज़ादुल मुआद फी हदी खैरुल आबाद वह इब्ने कायम। फतहुल खबीर, फतहुल खबीर का मौजू क्या है, शर्रा गरैबुल कुरान। मुफरादुल कुरान किसने लिखी, इमाम राकब इस्तफानी ने लिखी थी। अरमान अज़ातुल मुआद कौन है, यानी कवाम आद। अल तसरिया से क्या मुराद है, यानी बदरू का हुआ जानवर यानी बकरी। गुजरे हुए ज़माने में तसलसल पाया जाए तो क्या कहते हैं, माजिए इस्तमरारी। तलबा से क्या मुराद है, मुतमासल या सीखने के अमल से गुजरने वाले हर शख्स को मुतमल या तालबुल इल्म कहा जाता है।
महयाना किस फ़िरके का ग्रोह है? बुद्ध मत का। ज़ादुल मआद का मौजू क्या है? सीरत के मौजू पर मशहूर किताब। सलसुल कुरान किस सूरह को कहते हैं? सूरतुल इखलास को सलसुल कुरान बोलते हैं। शाह वलीउल्लाह ने फ़नून तफसीर की कितनी अकसाम बयान की? 80 यानी 80 तफसीरें बयान की। नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र ने कौन सी सूरत की आयात तलावत की थी? सूरत मरियम की चंद आयातें तलावत की। अलफ़करुल महाजरीन से कौन से निस मुराद है? महाजरीन। क्यास के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं। खुतबात मदारस का मौजू क्या है? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाह सही मुसन्नफ़ कौन है? यानी अबू अलबरकात अब्दुल रऊफ। यानी अलल अरबा किसने मुतारफ़ कराया? आपने मुझे कमेंट में बताना है। अशरा मुशरा में कितने साहबा कराम शहीद हुए थे? ये हुए थे 6। इमामुल फिका किसको कहा जाता है? हज़रत मौज़ बिन जबल को इमामुल फिका कहा जाता है। अल फौज़ुल कबीर का तीसरा बाब किसने अनवान पर मुश्तमल है? ताकत और मकान के बकदर नज़म कुरान के ताइफ और इसके अनोखे असलूब की वजाहत बयान हो। इमाम दारुल हिजरत किसको कहा जाता है? इमाम मलिक को। OIC कब बनाई गई? OIC 25 सितंबर 1969 में बनाई गई। टीपू सुल्तान को किस साल शहीद हुई? 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद हुई। नश्तर का आला किसने बनाया? ज़करिया अल राज़ी ने। दसवीं ज़ुलहज को किस बुध को रमी कहा जाता है? यन जमरातुल उकबा को। इमाम यानी उम्मुल कुलसूम का इंतकाल कब हुआ था? 630 हिजरी में। बस्तानुल मुहद्दिसीन किसके मुसन्निफ़ थे? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के। मौज़ुल कराम के मुसन्निफ़ कौन है? शाह अब्दुल क़ादिर। फ़तुल ख़बीर किस बाब का मुस्तवर रिसाला है? 5वें बाब का मुस्तवर रिसाला है। सूरत महज़ूम किसने तस्लीम की? वलीउल्लाह देहलवी ने। इमाम अज़ीमत किसे कहा जाता है? इमाम अहमद बिन हम्बल को। शाज के मुकाबले में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है? आंसर आपने मुझे बताना है। किस फ़लसफ़ी के नज़दीक हर चीज़ की असल पानी है? यानी तहलीस के लिए। मकारुल अदियान के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर अहमद शिलबी। बैतुल मुक़द्दस की फतह कब हुई? हज़रत उमर के दौर में। महर मुकर्रर होना क्या होता है? महर कनाल। दुआए मुस्तादफीन किसे बोलते हैं? बदर को। यानी असल असीर क्या होता है? मौलाना अबुल अलबरकात अब्दुलरऊब दानापुरी। निकाह के काम पर अज काम गवाह कौन होते हैं? कितने गवाह होते हैं? 2। दावत के असूल किस सूरत में है? सूरत नहल में। किस की तरफ इशारा किया गया? किबला अर्जू वालेकम व मुनाफिकीन की तरफ। बादल और चंगाड़ का अजाब किस कौम पर आया? कौम समूद पर। नखराजुल मोती बादनी क्या है? हज़रत ईसा। ये था आपके सामने होने वाला इस्लामिक स्टडी का पेपर। अगर वो गलती की तहिया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? उसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ो नाज़र।